हाय एवरीवन, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने टोटल इनकम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हम लोग जैसे हम लोग जानते हैं, लास्ट में भी जब मैंने इसमें वीडियो पोस्ट की थी फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वहां पर हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस नहीं करते हैं, एक्चुअली में वहां पर हमें करना होता है, राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी जहाँ पर मैं आपसे बोलूंगा कि वीडियो पॉज करें और अपने आप आपको क्वेश्चन करने हैं, फिर आप मेरे आंसर से इसको टैली करेंगे, प्लीज वैसा कीजिएगा। उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होगा, कंसेप्ट्स स्ट्रांग होंगे, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मिनिमम टाइम पीरियड में आप अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, राइट? सो आज हम लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट वुड बी फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल। ये हमारे स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो वहाँ के जो पीछे बैक साइड वाले क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो काफी सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसके बाद जिसका हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में भी दिखाई देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही आ जाता है। तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस तो सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ठीक है? फिर हमारे आरटीपीज, एमटीपीज और फास्ट ईयर पेपर्स होते हैं, बट सबसे ज्यादा तो जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस ही होती है। तो आज मैंने सोचा कि हम लोग स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर लेते हैं, करेक्ट? सो दिस इज पेज नंबर 9.31। आप सभी के पास स्टडी मटेरियल है 9.31, अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी में भी इजिली अवेलेबल है फ्रॉम आर इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो ICAI की वेबसाइट से आप इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इनकेस अगर किसी भी स्टूडेंट के पास ये स्टडी मटेरियल नहीं है तो। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। जो शुरू के क्वेश्चन है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा। मेन मेरा टारगेट है कि आपके साथ टोटल इनकम के क्वेश्चन आज डिस्कस करें, राइट? तो पेज नंबर 9.31, जैसे मैंने कहा, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट? तो एक क्वेश्चन नंबर 6 है, जहां पर हम लोगों को एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी, जहां पर मेनली पीजीबीपी से रिलेटेड होता है। आपको पता है जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स का आता है, 80% तो वो पीजीबीपी होता है, बट बाकी के कुछ हेड्स के बारे में भी बातें हो जाती हैं, और स्पेशली डिडक्शंस के बारे में, चैप्टर 6 के डिडक्शंस के बारे में भी बातें होती हैं। फिर हमसे पूछता है कि आप अपना टैक्स निकालिए, या फिर अगर टैक्स लायबिलिटी पूछ रहे हैं तो आपको टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी होगी। और अब तो ये भी डिपेंड करता है कि वो हमसे नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग, यानी कि डिफॉल्ट स्कीम के लिए पूछेगा क्वेश्चन, या फिर हमें ऑप्ट आउट करने के बाद, यानी कि जो हमारी ऑप्शनल स्कीम है उससे रिलेटेड हमें सॉल्यूशन भी देना पड़ सकता है। तो हमेशा ना पहले जो आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन है, जैसे जब मैंने आपके साथ मॉक टेस्ट पेपर सीरीज डिस्कस की थी, अभी जो सितंबर 2024 के लिए सीरीज 1 रिलीज हुई थी, वहां पर भी मैंने आपसे कहा था कि टोटल इनकम का क्वेश्चन हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो प्लीज इसको थोड़ा सा डिले करिएगा अपने क्वेश्चन को, पहले अपने बाकी के क्वेश्चन कर लीजिएगा, अपने MCQ पोर्शन पहले कीजिएगा, जो आपके बाकी चॉइस में क्वेश्चन आते हैं सेकेंड थर्ड और फोर्थ में, जो आपको दो क्वेश्चन करने होते हैं वो पहले कीजिएगा, और बिल्कुल लास्ट में आप अपने टोटल इनकम के क्वेश्चंस के लिए टाइम अच्छे से रखिएगा, करेक्ट? शुरू से ही अपनी स्पीड अच्छी मेंटेन करके आपको चलनी पड़ेगी, बिल्कुल स्लो मत रहिएगा शुरू से ही, शुरू से अपनी स्पीड थोड़ा फास्ट रखिएगा, ठीक है? अच्छा, टोटल इनकम के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना चाहिए, एक बार तो हमें रीड करना है, बट उससे पहले ना सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है। हमें सिर्फ टोटल इनकम निकालनी है, वो भी किस रिजीम से निकालनी है, वेदर इट शुड बी डिफॉल्ट रिजीम या फिर ऑप्ट आउट कर रहा है ऐसे ऐसे। उसके बाद हमें टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेबल क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये पता हो जाना चाहिए। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसमें लास्ट में आ रहा हूँ कि हमसे चाहता क्या एग्जामिनर। तो लिखा हुआ है लास्ट में, फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर श्रीमती निरंजना फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, यानी कि हमसे टोटल इनकम के बारे में पूछा है, अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ओके, एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द, यानी कि दोनों रिजीम से हमें टोटल इनकम निकालनी। अच्छा, क्या टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी होगी क्या? द आंसर इज नो, टैक्स लाइबिलिटी के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ टोटल इनकम, यानी कि GTI निकालिएगा, उसके बाद डिडक्शंस दीजिएगा। जनरली डिफॉल्ट स्कीम में तो बहुत रेयर डिडक्शंस होती हैं, तीन ही डिडक्शंस होती हैं, 80CCD2, 80CCH2 और 80JJAA, जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, करेक्ट? तो तीन ही डिडक्शंस होती हैं डिफॉल्ट स्कीम में, अगर वो नहीं है तो फिर कोई डिडक्शंस नहीं होगी, वही GTI हमारा टोटल इनकम हो जाता है डिफॉल्ट रिजीम के केस में। बट यस, अगर SSC ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो हमें पता है कि पूरा चैप्टर 6 से फिर अप्लाई हो सकता है। तो पता चल गया हम लोगों को कि टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है? यहां से अब बातें शुरू करते हैं। डॉक्टर निरंजना प्रोफेशनल है, पीजीबीपी की तो इनकम आने वाली है,
रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स काम के लिए है हमारे डिफॉल्ट स्कीम में, तो एज मैटर नहीं करती वहां पर, तो हमारा 0 से 3 लाख की लिमिट होती है सभी एसएससी के लिए। बट हाँ, अगर हम ऑप्शनल टैक्स रिजीम से टैक्स निकालेंगे तो फिर 60 ईयर्स मैटर करता है। खैर, हमें टैक्स भी निकालना, टोटल इनकम तक ही देखनी है। हाँ, कुछ चीजों के लिए भी हम सीनियर सिटीजन देखते हैं, तो ये पता चल गया कि ये सीनियर सिटीजन तो है, रेसिडेंट भी है। इज रनिंग अ क्लिनिक इन सूरत, हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2024 इज गिवन एज अंडर। ठीक है जी, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है, देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सेम एज पीएनएल अकाउंट, राइट? बिल्कुल पीएनएल अकाउंट की तरह होता है। डेबिट साइड में आपके एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड में आपकी इनकम होती है, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस जो भी वो बताता है। तो मेडिसिन कंज्यूम अमाउंट मत पढ़िएगा, अमाउंट में इतना रिलेवेंट नहीं है अभी। हम से पहले सिर्फ एक प्लेन रीडिंग दे रहे हैं क्वेश्चन को कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो मेडिसिन कंज्यूम समझ में आ रहा है कि ये अलाउेबल एक्सपेंस होता है, ऑल्दो आपको सेक्शन अगर नंबर याद भी नहीं है तो भी चलेगा, बट अभी फिलहाल आपके रिविजन पर्पज के लिए मैं आपको सेक्शन नंबर भी कोट करता रहूंगा, ठीक है, जिससे कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सेक्शन नंबर भी बैठ जाए। तो मेडिसिन कंज्यूम हमें ऑल्दो करना नहीं है सेक्शन का नंबर एग्जाम वगैरह में कोट, बट हमें पता है कि मेडिसिन कंज्यूम हमारे सेक्शन होते हैं 30 से लेकर 37 जो एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं PGVP के, और ये हमारा जनरल डिडक्शन है, सेक्शन 37 में आता है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन तो है नहीं, सेक्शन 30 से लेकर 36 है नहीं। 37 क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है, सेक्शन 30 से लेकर 36 में नहीं आया, तो वो 37 में आ सकता है, प्रोवाइडेड वो एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए, कोई ऑफेंस या कोई प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऐसा कोई इलीगल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, करेक्ट? बिजनेस के लिए हो, प्रोफेशन के लिए हो, चलेगा, पर्सनल पर्पज के लिए नहीं चलता। सो हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मली इस पर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, मेडिसिन कंज्यूम है, डॉक्टर है, तो उनके क्लिनिक में कुछ मेडिसिन वगैरह कंज्यूम होंगी, तो दैट इज परफेक्टली फाइन, अलाउेबल एक्सपेंस देखा जाता है। बाकी हम देख लेंगे, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन में कुछ और दिया हुआ है इसके बारे में तो अलग बात है, बट प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट देख कर तो लग रहा है कि अलाउेबल एक्सपेंस है, ठीक है। तो दिस इज अलाउड अंडर सेक्शन 37। स्टाफ को सैलरी देना, अगेन 37 में आता है, ठीक है, सैलरी एंड वेजेस वगैरह, तो दिस इज अलाउेबल। इसके बारे में कुछ होगा आगे तो देख लेंगे, बट अभी तो अलाउ लग रहा है। क्लिनिक कंज्यूमेबल्स, क्लिनिक में जो कंज्यूम्स होती हैं चीजें, तो ये तो एक नॉर्मल इनका प्रोफेशनल एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी दवाई वगैरह या बाकी चीजें जो कंज्यूम होती है, कॉटन्स वगैरह, वो सारी चीजों का खर्चा है क्लिनिक कंज्यूमेबल्स। ग्लव्स होते हैं किसी भी डॉक्टर वगैरह के यहाँ पर, जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, हमारा मेन एम है क्वेश्चन करना, ठीक है, जल्दी से जल्दी, राइट। रेंट पेड तो अभी एज्यूम मैं कर रहा हूँ कि रेंट पेड इनका बिजनेस से रिलेटेड है तो अलाउड होता है। अगर देखिए रेंट ऑफ बिल्डिंग है तो सेक्शन 30 में अलाउड होगा, राइट, ठीक है। बाकी किसी और चीज का रेंट वगैरह तो 37 में अलाउड होता है। मशीन से रिलेटेड रेंट 31 में आता है क्या? नहीं, 31 सेक्शन में आते हैं आपके रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीन या फिर फर्नीचर, राइट, वहां पे रेंट नहीं आता, तो अदरवाइज रेंट तो अलाउड होता है कुल मिलाकर। तो रेंट पेड अगर बिल्डिंग से रिलेटेड है तो भी अलाउड है, अगर कुछ और पर्पज के लिए भी तो भी 37 में अलाउड हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस अलाउड हो जाना चाहिए 37 में, ठीक है। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35, 1,50,000, ये काम की बात आ गई। अब देखिए ये क्या अमाउंट दिया हुआ है हमें कि हमने साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को कोई अप्रूव्ड जगह थी वहां पर हमने पैसे दिए हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए। दिस वी नो इट इज कॉल्ड एज आउटसाइड रिसर्च, आउटसाइड रिसर्च के लिए पैसे दिए गए। अब देखिए अगर आप डिफॉल्ट स्कीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें यहां पर दोनों तरीके से इनकम निकालनी पड़ेगी, तो अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इनकम निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि आउटसाइड रिसर्च वहां पर अलाउड नहीं होती, करेक्ट, वहां पर सिर्फ इन हाउस रिसर्च अलाउड होती है साइंटिफिक रिसर्च में सेक्शन 35 में, आउटसाइड रिसर्च अलाउड नहीं होती, तो उसके लिए तो हम इसको डिसअलाउ कर देंगे। बट अगर हम ऑप्शनल स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल रहे हैं तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एन अलाउेबल एक्सपेंस 100%, अगर एसएससी ने इसको डेबिट करा हुआ अपने पीएनएल अकाउंट में, वी आर ओके विद इट, अगर हम ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ, चलो अच्छी बात है। क्रेडिट साइड और देख लेते हैं एक बार, कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस, नॉर्मल PGVP की इनकम है तो ठीक है, हमें बस ये ढूंढना है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे हेड की इनकम यहाँ पर रखी हुई है, तो अगर कोई दूसरे हेड की इनकम यहाँ पर है तो हमें उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और उसके रिस्पेक्टिव हेड में ले जाएंगे, करेक्ट, या फिर अगर कोई ऐसी इनकम क्रेडिटेड है जो कि एग्जेम्प्ट होती है तो उसको यहाँ से हमें हटाना होगा, और उसको कहाँ पर लेके जाएंगे, कहीं लेके जाएंगे उसको, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट इनकम है, राइट। कंसल्टेशन मेडिकल चार्जेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा PGVP की इनकम होती है।
इनकम टैक्स रिफंड देखो, इनकम टैक्स को एक्सपेंस नहीं होता और इनकम टैक्स रिफंड आ जाए तो वो इनकम भी नहीं होती, राइट? तो दैट इज आई कैन से इट इज एग्जेम्प्ट, तो उसको हम टैक्सेबल नहीं करते, तो उसको यहां से हटाना पड़ेगा, करेक्ट? और साथ साथ में लिखा हुआ है कि जो 5450 आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला है, ब्रैकेट में कुछ कह रहा है इसके बारे में, लिखा हुआ है कि इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5000 रुपीज है, इंटरेस्ट के पैसे 450 रुपीज है, इतना तो पता है कि पीजीबी भी नहीं है। 5000 रुपीज तो एक्चुअली इनकम ही नहीं है, ठीक है, वो इनकम ही नहीं है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ एग्जेम्प्ट है। तो 5000 यहां से आपको तो 5450 को हटा दीजिएगा, जब आप अपनी पीजीबी इनकम निकालेंगे 5000 तो हमारी टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, उसको कहीं पर मत लेके जाइएगा, बट 450 जो हमारा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड होता है, तो दैट इज आर IFOS इनकम, तो 450 इसमें से आपकी IFOS इनकम बनेगी, 5000 किसी हेड की इनकम टैक्सेबल नहीं। डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI 10,500, तो अगर हमें डिविडेंड मिला है तो इसके ऊपर 10,500 रुपीज का हमारी IFOS की इनकम। अच्छा ये बताओ नेट है या ग्रॉस है? ग्रॉस मतलब बिफोर TDS, तो अगर बिफोर TDS है तो अच्छी बात है। अच्छा पहले तो हम इसको पीजीबीपी से तो बाहर निकालेंगे, बिकॉज ये IFOS की इनकम है, और IFOS में हमें कौन सी इनकम ले जानी चाहिए? ग्रॉस अमाउंट पर, तो यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रॉस अमाउंट ही दिया हुआ है 10,500 का। अच्छा डिविडेंड के ऊपर कोई TDS डिडक्ट होता है क्या? एक बार ऐसी ऑल्दो यहां पर नहीं करना, बट फिर भी एटलीस्ट डिविडेंड के ऊपर TDS डिडक्ट होता है क्या? हाँ होता है, एक तो होता है सेक्शन, अगर वो डिविडेंड ऑन शेयर है तो हमारा सेक्शन 194 में TDS डिडक्ट होता है, अगर वो डिविडेंड ऑन यूनिट्स है तो हमारे पास एक सेक्शन होता है 194K, ठीक है, हो सकता है आपको 194K का नाम नंबर याद ना आ रहा हो, बट हाँ इतना तो पता होगा आपको कि डिविडेंड के ऊपर TDS डिडक्ट होता है, तो इनकम फ्रॉम जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स होती हैं, UTI की यूनिट्स होती हैं, उसके ऊपर भी TDS डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194K, और यहाँ पर शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आता है 194 में, और दोनों में एक कॉमन बात है कि रेट ऑफ डिविडेंड सॉरी रेट ऑफ TDS 10% होता है, करेक्ट? तो यहाँ पर हमें ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये नेट अमाउंट होता, वैसे तो पीजीबीपी से इसको यहाँ से हटाना है, जितना भी है यहाँ से हटाना है और इसको IFOS में लेके जाना है, और अगर ये नेट अमाउंट होता तो इसको पहले ग्रॉस पे कन्वर्ट करने के बाद IFOS में ले जाते, करेक्ट? बिकॉज हमें टोटल इनकम निकालनी है तो IFOS भी आएगा पीजीबीपी के साथ साथ। विनिंग फ्रॉम गेम शो ऑन TV, अब हमें पता है दिस इज अगेन कैजुअल इनकम, IFOS की इनकम होती है, तो अगर विनिंग फ्रॉम गेम शो है पहले तो यहाँ से इसको हटा देंगे और इसको IFOS में लेके जाएंगे, कितना? 35,000। क्या एक चीज लिखी हुई है नेट ऑफ TDS, हमें पता है इसके ऊपर 30% TDS होता है, और वैसे भी इन लोगों ने कितने अच्छे हैं यहाँ पर 15,000 का अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि ये अमाउंट 70% होगा, 30% TDS होता है, ठीक है, वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं, एक काम करिएगा पहले तो इसको पीजीबीपी से बाहर निकालिएगा, आप गलत जगह पर आ गए हैं, बाहर जाइए, तो 35,000 को यहाँ से बाहर निकालिएगा, इसको IFOS में लेके जाइएगा, बट IFOS में कितना जाएगा? ग्रॉस अमाउंट, तो बिफोर टीडीएस कितना होता है ये? सीधा 15,000 ऐड बैक कर दीजिएगा, यानी कि 50,000 होता, राइट? अगर यहाँ पर लिखा होता 30% का TDS तो आपको पता है कि ये 70% अमाउंट है, तो सिंपल मैथमेटिक्स से वो आप कर सकते हैं, 35,000 डिवाइड बाई 70%, तो आपका ग्रॉस अमाउंट अपने आप ही आ जाएगा 50,000 रुपीज। अच्छा बाय रेंट, इनको रेंट मिला है 27,000 रुपीज। अब देखो रेंटल इनकम कौन सी इनकम होती है? अगर ये रेंट ऑफ बिल्डिंग है तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, यहाँ पर मेंशन नहीं है ना रेंट ऑफ बिल्डिंग है या रेंट ऑफ मशीन वगैरह, तो अगर रेंट ऑफ बिल्डिंग है तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, इसको हाउस प्रॉपर्टी में जाकर कंप्यूट करेंगे। और क्या, अच्छा मुझे बताओ कि आप हम सीधा सीधा हाउस प्रॉपर्टी इनकम 27, अगर मान लेते हैं रेंट ऑफ बिल्डिंग भी लिखा होता तो क्या सीधा सीधा 27,000 हमारी एग्जैक्ट इनकम बन जाती? नहीं, देखिए यहाँ पर अगर लिखा हुआ है रेंट ऑफ बिल्डिंग, इसका मतलब ये, अगर आपको एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू वगैरह की, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर हम इसको GAV मानिएगा, बिकॉज दिस इज रेंटल इनकम, राइट? तो दिस इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल जो होता है, जो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में करते हैं, तो उसको प्लीज GAV मानिएगा, उसमें से अगर कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस है उसको माइनस कीजिएगा, NAV आएगा, और उसमें से फिर 30% की जो डिडक्शन देंगे आप, स्टैट्यूटरी डिडक्शन होती है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है हमारी हाउस प्रॉपर्टी में 30% ऑफ NAV, तो उसको देने के बाद हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनेगी। हाँ अगर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वगैरह चल रहा है तो 24B की भी डिडक्शन आ सकती है, बट येस दिस इज नॉट माई PGBP, इसको यहाँ से हटाइए और फिर हाउस प्रॉपर्टी में जाके इसको कंप्यूट करना पड़ेगा, अगर ये रेंट ऑफ बिल्डिंग है, अगर ये रेंट ऑफ मशीन वगैरह है तो फिर IFOS में जा सकता है, करेक्ट? तो डिपेंड करता है, आगे शायद हमें बता देगा ये कौन सा रेंट। ओके फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है रेंट पेड इंक्लूड्स, रेंट पेड कौन सा था? रेंट पेड 27 वाले की बातें कर रहे हैं, 90,000 की रेंट पेड की बातें कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंसिस की बातें हो रही है, डेबिट साइड वाली रेंट की बातें हो रही है। रेंट पेड इंक्लूड्स 30,000 रुपीज पेड बाय चेक टूवर्ड्स रेंट फॉर हर
रेसिडेंशियल हाउसिंग सूरत, ये कहते हैं कि 30,000 जो यहाँ पर इसमें 90,000 में 30,000 एक अमाउंट है जो इंक्लूडेड है, एक्चुअली वो उनके रेसिडेंस का था। तो प्लीज मुझे बताइए दैट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, तो अगर वो पर्सनल एक्सपेंस है तो प्लीज हमें यहाँ से एड बैक करना पड़ेगा, यानी कि इसमें से इस 90,000 में से 30,000 को हम एड बैक कर देंगे, 30,000 डिसअलाउ होने वाला है बिकॉज दैट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट कहता है क्लिनिक इक्विपमेंट्स आर 1/4/2023 बोले तो ओपनिंग वैल्यू दी गई है 5 लाख रुपीज, और 7/12/2023 को हमने एक्वायर किया था क्लिनिक इक्विपमेंट्स 2 लाख रुपीज के, बस इसके बारे में और कुछ नहीं दिया था, यानी कि हमसे डेप्रिसिएशन की बातें बताना चाह रहा है ये। डेप्रिसिएशन यहाँ पर तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, इसका मतलब हम डेप्रिसिएशन अलग से हमको कंप्यूट करना पड़ेगा। और क्लिनिक इक्विपमेंट्स है यानी कि कौन से कैटेगरी है, ये बिल्डिंग है क्या, फर्नीचर है क्या, नहीं, दिस इज प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट क्या होता है डेप्रिसिएशन का 15%, राइट, तो 15% का आप लोग डेप्रिसिएशन लगा देंगे, तो ओपनिंग वैल्यू 5 लाख रुपीज है, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज हुए, ठीक है, कोई सेल वेल की बात अगर नहीं कर रहा है तो 7 लाख के ऊपर 15% लगा देंगे सीधा, नहीं, फिर उसमें चेक करते हैं हम लोग कोई ऐसा एसेट है क्या जो ड्यूरिंग द ईयर हमने एक्वायर किया है, तो आंसर आएगा हाँ 2 लाख रुपीज का एसेट हमने ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर करा है। फिर हम ये क्वेश्चन पूछे अपने आप से क्या ये यूज हुआ, तो पता चला कि एक्वायर तो हुआ था, यूज के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होती ना तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जिस दिन एक्वायर हुआ उसी दिन यूज हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर पुट टू यूज के बारे में आपका क्वेश्चन साइलेंट है कि एसेट हमने कब यूज करना शुरू किया, तो हम अज्यूम करते हैं कि द डेट ऑन विच इट इज एक्वायर्ड इट इज पुट टू यूज, करेक्ट, तो हम लोग मानेंगे अगर पुट टू यूज की डेट नहीं है तो 7/12/2023 को ही हमने इसको यूज करना शुरू कर दिया, और 7/12/2023 समझते हैं हम लोग दिसंबर से, तो दिसंबर से अगर हम डेज भी काउंट करेंगे तो मोटा मोटा 180 से तो कम आ रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन आएगा और 5 लाख के ऊपर फुल डेप्रिसिएशन आएगा, करेक्ट। अगर आगे कुछ ऐसा लिखा होगा कि इसको हमने यूज ही नहीं किया तो फिर आप 2 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं दे सकते अगर ड्यूरिंग द ईयर यूज नहीं हुआ है तो, राइट। और एक और बात याद रखिएगा, हाफ डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं, देखिए काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, ऑल्दो इधर गलती के चांसेस थोड़े से कम है बट फिर भी कुछ जगह पर एग्जामिनर अगर कभी आपको कंफ्यूज करे, तो हाफ डेप्रिसिएशन की ना हमेशा दो कंडीशन होती है, दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन होती है कि असेट यूज हुआ हो लेस देन 180 डेज, लेस देन 180, एग्जैक्ट 180 नहीं, 180 है तो फुल, 180 से कम, यानी कि 179 और या फिर उससे कम यूज हुआ हो। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो जनरली स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं और कभी कभी गलती हो जाती है, सेकेंड कंडीशन ये है कि हमने उसको एक्वायर भी सेम ईयर में किया हो जिस साल हम इसको यूज कर रहे हैं, यानी कि जब हम उसको 180 डेज से कम यूज कर रहे हैं, जिस ईयर में हमने उसको फर्स्ट टाइम यूज करना शुरू किया उसी ईयर में हमने उसको एक्वायर किया हो, तभी उसके ऊपर हाफ डिप्रिसिएशन लगता है। अब कभी कभी यहाँ पर एग्जामिनर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज करता है क्योंकि हमने वो बोलेगा कि एक्वायर तो किया था हमने लास्ट ईयर कभी इसको यूज नहीं करा, हमने अब नेक्स्ट ईयर में आकर इसको यूज किया 180 डेज से कम, तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं उस पर हाफ डिप्रिसिएशन लगा देते हैं, बट वो गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, 180 डेज से कम किया बट एक्चुअली वो सेम ईयर में एक्वायर नहीं हुआ था, अगर वो लास्ट ईयर में एक्वायर हुआ था तो उसके ऊपर फिर अब फुल डिप्रिसिएशन आएगा, हाफ डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, करेक्ट। तो अगर एग्जाम में कंफ्यूज करने की कोशिश करें बिल्कुल मत होइएगा। उसके बाद थर्ड वन, रेंट रिसीव्ड रिलेट्स टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो रेंट रिसीव्ड के बारे में इन्होंने बता दिया कि बॉस ये रेंट रिसीव्ड क्या था, तो इन्होंने बोला कि एक हाउस प्रॉपर्टी का रेंट था ये, ठीक है, इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम आ रही है। अच्छा कौन कौन सी इनकम हमें पता चल रहा है, एक तो पीजीबीपी की तो आ ही रही है, ठीक है, प्रोफेशनल की इनकम आ रही है, आईएफओएस की हमें डिविडेंड वगैरह और विनिंग वगैरह पता चला, राइट, और फिर अब हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, तीन हेड्स तो आ गए एसएससी के। रेंट रिसीव्ड रिलेट्स टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट सूरत, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 27,000, इसकी जीएवी 27,000 भी दिया हुआ है, ओके, द म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 2,000 पेड इन दिसंबर 23 हैज बीन इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। हम लोगों को पता है कि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो जीएवी सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, उसमें से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, राइट, तो यहां पर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड हुए हैं 2,000 रुपीज के, तो 2,000 माइनस कीजिएगा एनएबी आएगा और एनएबी में से 30% डिडक्शन दे दीजिएगा, और अगर 24B अगर है क्वेश्चन में दैट इज इंटरेस्ट ऑन दैट कंस्ट्रक्शन वगैरह रिपेयर वगैरह के लिए लिया है तो वो भी माइनस होगा, करेक्ट, जिससे कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट आप कर सकते हो।
दूसरी बात इन्होंने इंपॉर्टेंट बात दी है, म्युनिसिपल टैक्सेस जो 2000 के थे दैट इज रिलेटेड टू योर हाउस प्रॉपर्टी राइट पेड इन दिसंबर 23 ठीक है हमने पे कर दिए थे अच्छी बात है has been included in administrative expenses. कहते हैं कि ये 2000 का खर्चा हमने अपने administrative expenses में include करा हुआ है 2000 का खर्चा. Please मुझे बताइए क्या ये 2000 business expense है या house property से related expense है? तो house property से related expenses है तो यहाँ से आप 2000 rupees को add back कर दीजिएगा. वो गलत expense हमने debit कर दिया. That is not related to PGBP. That is related to house property. Got it? ठीक है. क्रेडिट साइड में अगर कोई दूसरा हेड की किसी से डिफरेंट हेड की इनकम है अदर देन पीजीबीपी या फिर डेबिट साइड में कोई ऐसा एक्सपेंस है जो किसी दूसरे हेड में आता है वो हम पीजीबीपी में नहीं लेते, वो उस पर्टिकुलर हेड में जाकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका. ओके, फोर्थ पॉइंट, इट सेज शी रिसीव्ड सैलरी ऑफ रुपीज, ओहो सैलरी इनकम भी आ गई. शी रिसीव्ड सैलरी ऑफ रुपीज 7500 पर मंथ फ्रॉम फुल केयर हॉस्पिटल ओके विच हैज नॉट been included in the consultation and medical charges. इन्होंने कहा कि SSC को salary income भी मिल रही है. कितनी? 7500 per month. 7512 कर देंगे. Minus, याद रखिएगा, standard deduction देनी है आपको. जितना भी amount आएगा और 50,000 rupees whichever is lower, generally 50,000 होता है, उसकी deduction देने के बाद आपकी salary income भी आ जाएगी. इन्होंने एक बात बोली हुई है कि वो salary income है वो consultation and medical charges में included नहीं है. जो हमने credit side में consultation और medical charges देखे थे वहाँ पे included नहीं है. अच्छी बात है, right? क्योंकि इन्होंने इसको सैलरी इनकम को पीजीबीपी में नहीं लिया. अच्छी बात है. अगर वो इंक्लूडेड होता तो उसको मुझे हटाना पड़ता, तो अब यहाँ पर हटाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट पीजीबीपी इनकम. तो अच्छा है उसको नहीं लिया तो हम सिर्फ उसको सैलरी इनकम बनाएंगे, पीजीबीपी में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. अगर वो ऐसा बोलता कि वो अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है तो पहले उसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ता वाइल कंप्यूटिंग माई पीजीबीपी इनकम. गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट. Niranjana availed a loan of 5,50,000 from a bank for higher education of her daughter. She repaid principal of 1,00,000 and interest thereon 55,000 during the previous year 23-24. यहाँ पर बातें हो रही हैं हमारी deduction chapter की section 80E education loan. तो अगर education loan लिया हुआ है अपनी daughter के लिए लिया है चलेगा. कितना allowed होता है? 1,00,000 और 55,000 पूरा कर दे? नहीं, only interest portion. सिर्फ 55,000 अलाउड है. इस 1,00,000 का क्या करेंगे सर? प्रिंसिपल अमाउंट तो सर 80C में आता है. अरे बॉस, वो प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट 80C में आता है वो अगर आप हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करते हैं राइट, वो प्रिंसिपल अमाउंट 80C में आता है. ये प्रिंसिपल अमाउंट का, ऐसे प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ नहीं करेंगे आप राइट. दिस इज नॉट बी ट्रीटेड एनीवेयर. सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपीज की 80E में डिडक्शन मिल जाएगी, वो भी तब जब SSC डिफॉल्ट स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहा है ऑप्शनल स्कीम में. आपको पता है डिफॉल्ट रिजीम में तो 80 ही मिलता नहीं है. सिक्स पॉइंट कहता है शी पेड 1,00,000 एज ट्यूशन फीस नॉट इन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट फीस और डोनेशन. डोनेशन वगैरह नहीं थी. टू द यूनिवर्सिटी फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ हर डॉटर. समझ में आता है 80C मिल जाएगा. 80C मिल जाएगा, डिफॉल्ट रिजीम में मत दीजिएगा, ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम 1,00,000 रुपीज ठीक है. और देख लीजिएगा टोटल 80C मिल के कहीं 150 से ज्यादा तो नहीं हो रहा. वैसे तो यही 80C है, बाकी तो 80 था. An amount of 28,000 has been paid by check on 27 March 2024, यानी कि हमारे वाले previous year में payment हुई है for medical insurance premium. किसकी बातें करने लगा? 80D. Default scheme नहीं मिलेगा, optional scheme मिल जाएगा. कितना 28,000 मिलेगा? 25,000 मिलेगा. सिर्फ 25,000 की limit होती है. SSC, उसके spouse और dependent children 25,000, parents के अलग 25,000, but senior citizen तो 50 हो जाता है. और यहाँ पर हमने देखा था SSC senior citizen था, 60 years के थे, तो 50,000 की मैक्सिमम लिमिट है. 28,000 यहाँ पर दिया हुआ है, चलेगा. 28,000 हम 80D में डिडक्शन दे सकते हैं जब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अपने टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे. फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर श्रीमती निरंजना अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और ऑप्शनल टैक्स रिजीम एज पर द नॉर्मल प्रोसीजर्स ऑफ दैट. अब यहाँ पर हमें अपना क्वेश्चन शुरू करना है. रुक जाइएगा एक मिनट. अब एक तरीका हो सकता है जब हम इसकी प्रेजेंटेशन करें, ठीक है, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. एक तरीका है कि क्योंकि अगर आपको डिफॉल्ट रिजीम भी निकालनी है और ऑप्शन रिजीम भी निकालनी है, कभी कभी हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम दो कॉलम बना लें. एक ही टेबल के अंदर दो कॉलम बना सकते हैं, डिफॉल्ट रिजीम के और ऑप्शनल रिजीम के. और जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे अपना सैलरी पीजीबीपी वगैरह, वो सब कुछ हम लोग दोनों यहाँ पर लिखते रहें.
बट एक्चुअली ना यहाँ इसको मैं ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज मान लेते हैं कि आप पीजी भी पूरा कंप्यूट कर रहे हैं तो वो नंबर्स आपको बार बार लिखने पड़ते हैं, राइट? तो इसको मैं थोड़ा सपोर्ट नहीं करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो आप ऐसा करें कि आप किसी भी रिजीम से एक बार इनकम निकाल लें, फिर दोबारा जब आप दूसरी रिजीम करें, मान लेते हैं हमने पहले डिफॉल्ट रिजीम से निकाला या फिर ऑप्शनल स्कीम से निकाला, चलो मान लेते हैं ऑप्शनल स्कीम से निकाला हमने, उसके बाद जब हम डिफॉल्ट ऑप्शनल स्कीम से सब कुछ निकाल दें जो क्वेश्चन ने पूछा है, फिर बाद में हम लोग डिफॉल्ट स्कीम जब करेंगे तो दोबारा से हमें सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, जो मैक्सिमम हम लोग जीटीआई वगैरह निकाल चुके थे, ठीक है, उसी में बस थोड़ी एडजस्टमेंट कर दें जो हमें एज पर डिफॉल्ट रिजीम वहां पर हमें लेनी चाहिए, करेक्ट? तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका टाइम काफी ज्यादा सेव हो जाएगा, करेक्ट? सो दिस इज क्वाइट अ बेटर मेथड जिससे कि हम अपना टाइम सेव कर सकें। तो अब मैं चाहूंगा कि अब आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, मैं भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और आप भी इसको सॉल्व करना शुरू करें, उसके बाद आप लोग मेरे आंसर से इसको टैली कर सकते हो, ठीक है? शुरू करें इसको। ओके, आई बिलीव आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन और आपने चेक भी कर लिया होगा। तो नाउ असेसी, पहले मैंने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को यहाँ पर कैलकुलेट किया, असेसी की सैलरी इनकम आ रही थी और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 40,000 हो गया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड कर दीजिएगा ज़रूर, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन दीजिएगा 30% ऑफ एनएवी, 17,500 हाउस प्रॉपर्टी इनकम। पीजीबीपी के लिए मैंने अलग से नोट बना लिया था, ठीक है, बिकॉज इस पेज पर मैंने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सॉल्व किया,
नेक्स्ट पेज पर ऑप्शनल रिजीम के लिए, ऑप्शनल रिजीम एक्चुअली बाद में सॉल्व किया आपने देखा होगा, पहले मैंने इसका पीजीबीपी को सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर कर दिया था वर्किंग नोट में, सो पीजीबीपी हमने अलग से बना दिया था। अब यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस था डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, हमारे जीटीआई में जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च के लिए आउटसाइड रिसर्च के लिए डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिली थी क्योंकि बिकॉज दिस इज फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, उसको मैंने अलग से दिखाया है अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, राइट। देख सकते हैं आप लोग जब मैंने जीटीआई कंप्यूट करा तो सिंपल जीटीआई जो डिफॉल्ट रिजीम का था वही सीधा सीधा पिक कर लिया बिकॉज सैलरी में कोई चेंजेस नहीं था डिफॉल्ट रिजीम में और ऑप्शनल रिजीम में, हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं था, IFOS में कोई चेंजेस नहीं था, सिर्फ पीजीबीपी में था 150,000 वाला आउटसाइड साइंटिफिक रिसर्च वाला, तो सिर्फ उसी का मैंने इफेक्ट दिया है, पर एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, करेक्ट। तो जो एक दो चीजों में ही चेंज होता है वहां पर, ठीक है, आपको एग्जाम में वैसे देखा जाए तो जब हम लॉ पढ़ते हैं तो डिफॉल्ट रिजीम में और ऑप्शनल रिजीम में काफी सारे चेंजेस हैं दोनों में, बट एग्जाम में आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ही मिलेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो इनफैक्ट एक ही पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था हमारे डिडक्शन का चैप्टर 6 से वाला, तो यहाँ पर तो 80C 80D 80E मिलेगा नहीं आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, बट आपकी ऑप्शनल टैक्स रिजीम में यू कैन क्लेम 80C 80D एंड 80E। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था 80GG, 80GG होता है अगर असेसी रेंट पे कर रहा है तो उसको ऑप्शनल स्कीम में डिडक्शन मिल जाती है, इनकेस अगर उसको HRA रिसीव नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हाउस रेंट रिसीव नहीं हो रहा था तो यहाँ पर 80GG की डिडक्शन मिल सकती थी, बट एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर असेसी रेंट पे कर रहे हैं इन सूरत और उनका ऑलरेडी जो एक लेट आउट घर है वो भी सूरत में ही है, तो हमारी 80G की एक कंडीशन है कि जहाँ पर असेसी रेंट पे कर रहा है सेम सिटी में उनका या उनके माइनर चाइल्ड का या उनके स्पाउस का या जिस HUF को बिलोंग करते हैं उनका घर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर वो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी इसलिए 80GG नहीं मिल पाया, करेक्ट। तो आई बिलीव आप लोग सब लोगों ने कर लिया होगा, इनफैक्ट इस PDF को मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, वहां से आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आइएगा, दिस इज पेज नंबर 9.32। इट सेज मिस पूर्वी एज 55 ईयर, सीनियर सिटीजन नहीं है SSC, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस PGBP की इनकम आएगी। She maintains her accounts on cash basis. ये बहुत important बात है that she is maintaining her accounts on cash basis. इसका मतलब है कि सारे के सारे expenses और income हमें cash basis पर allow कर देने चाहिए, correct? Her income and expenditure account for the year ended 31st March 2024 reads as follows. चलिए देखते हैं। Salary to staff generally allowed होता है, ठीक है, right? Section 37 में stipend to article assistant, again it is allowed, it is a kind of salary which you are giving to your article assistants, stipend, salary, wages sab allowed hai section 37 mein, it's a general deduction. Incentive to article clerk, kya ye bhi allowed hai? The answer is yes, incentives hum log de sakte hain, incentives, bonuses ye aap apne employees ko de sakte hain, to agar aapne article assistants ko diye to that is also an allowable business expense, okay. और कुछ एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट, अगेन इट इज अलाउड, ऑफिस का रेंट सेक्शन 30 में अलाउड होता है, रेंट ऑफ बिल्डिंग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलाउेबल एक्सपेंस सेक्शन 37 में अलाउड होता है, ये मैं आपको सेक्शन जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं बता रहा हूँ बीच बीच में, बट आपको एग्जाम में ये जरूरत नहीं है कोट करने की ये अलाउड है इस सेक्शन में, इस सेक्शन में यू शुड नो कि ये इसके ऊपर ये अलाउेबल होता है बिजनेस एक्सपेंस की तरह। मीटिंग, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस लग रहा है अलाउड है, ठीक है, इट्स अ मीटिंग एक्सपेंसेस, सेमिनार एक्सपेंसेस, कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस अलाउड है सेक्शन 37 अगेन। परचेज ऑफ कार फॉर ऑफिशियल यूज, चलिए ठीक है कार परचेज करी ऑफिस यूज के लिए चलेगा, बट ये तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, राइट, हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं अगर हमने कार परचेज की है और उसको हमने सीधा सीधा अपने पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, सो दैट इज नॉट अलाउड, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, तो दिस एक्सपेंस एक्चुअली दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस शुड नॉट बी अलाउड, ये हम एडबैक करेंगे और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप इसमें क्लेम कराइएगा। और कार के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होता है? 15% अगर कार हायर बिजनेस में यूज हो रहे हैं, यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है बिकॉज शी इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यहाँ पर तो 15% लगेगा, बट येस अगर मोटर व्हीकल हायर बिजनेस में यूज होते हैं, ट्रांसपोर्टर वगैरह जब यूज करते हैं उन लोगों के लिए, वो लोग जब अपने बिजनेस में इसका डेप्रिसिएशन लेते हैं तो 30% रेट हो जाता है, बट यहाँ पर तो 15% रहेगा। रिपेयर्स
एंड मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ द कार ये अलाउड है बिकॉज इट इज़ फॉर ऑफिशियल पर्पज, तो इसका रिपेयर वगैरह भी अलाउड होगा. इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस राइट, प्रोफेशनल एक्सपेंस कह सकता हूँ. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, अगर आपका ये बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ अलाउड. म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3,000 रुपीज. देखिए म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर असेसी ने पे किए हैं, इनकेस अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो वी कैन से इट इज़ अलाउड. बट यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि हमारी कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही होगी. अगर आप क्रेडिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी मिल जाएगा आपको रेंट रिसीव फ्रॉम रेजिडेंशियल फ्लैट लेट आउट, तो ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो इससे रिलेटेड आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस वो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी में ही हम अलाउ करेंगे. यहाँ पर उसको पीजीबी में अलाउ नहीं करेंगे. ऑलमोस्ट सिमिलर बातें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में भी की थी. सो दिस शुड नॉट बी अलाउड. तो यहाँ से हमें मिल रहा है, बाकी देख लेंगे इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है, बट सीधा सीधा मिल रहा है 80,000 रुपीज़ अलाउड नहीं है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम क्लेम करेंगे और ये 3,000 भी अलाउड नहीं होंगे. बाकी एक्सपेंसेस तो बिजनेस एक्सपेंसेस लग रहे हैं. क्रेडिट साइड देख लेते हैं एक बार. क्रेडिट साइड में लिखा हुआ फीस अर्न्ड, ऑडिट फीस, टैक्सेशन फीस, कंसल्टिंग फीस, तो टोटल अमाउंट इतना अर्न किया है, तो दिस इज आर बिजनेस इनकम. ये बिजनेस इनकम होती है हमारी, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, तो 10,524 का डिविडेंड मिला है. यू अंडरस्टैंड दिस इज आर पीजीबीपी इनकम और आईएफओएस इनकम, दिस इज आईएफओएस इनकम, तो यहाँ से हमें इसको हटाना पड़ेगा और आईएफओएस में ले जाएंगे. और लिखा हुआ है ग्रॉस अमाउंट, यानी कि हम आईएफओएस में जब लेकर जाएंगे तो हमें पता है हमें अपनी ग्रॉस लेवल पर ही लेके जाना होता है, तो यहाँ पर हम इसमें का 10,524 ही अपनी इनकम बनाएंगे. हाँ ऑफकोर्स इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन कह क्या रहा था, पूछा क्या है इसने, हमने एक बार वो मिस कर दिया. आई एम सो सॉरी. लिखा हुआ कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस पूर्वी, इसका मतलब हमें टोटल इनकम भी निकालनी है और टैक्स पेबल भी निकालना है. टैक्स पेबल और टैक्स लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है जल्दी बताइएगा. टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेबल में क्या डिफरेंस होता है. देखिए सबसे पहले जब हम भी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर हम चेक करते हैं कि हमारे पूरे साल की कितनी टैक्स लायबिलिटी आई है. फॉर एग्जांपल अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी 1,00,000 रुपीज की आई है, उसमें से फिर वो माइनस करता है कि इस लायबिलिटी को मैंने कितना पे ऑलरेडी कर चुका हूँ बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स, बाय वे ऑफ TDS, TCS. तो अगर हमारा कोई TDS, TCS या फिर एडवांस टैक्स वगैरह गया हुआ है तो हम उसको माइनस करते हैं और बाद में आता है कि दिस इज नाउ माय टैक्स पेबल, यानी कि अल्टीमेट आपकी जो लायबिलिटी अब बनी आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर टेकिंग द क्रेडिट ऑफ योर TDS, TCS, एडवांस टैक्स एक्सेट्रा, उसके बाद जब आपको पे करना होता है दैट इज फॉर टैक्स पेबल. ठीक है डिफरेंस समझ गए. सो टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी इज योर टोटल टैक्स फॉर द ईयर, आपका पूरे साल का कितना टैक्स बना था आपकी टोटल इनकम के ऊपर और उसमें से आप कितना पे कर चुके हैं, उसके बाद अगर फिर भी कुछ बाकी है तो यू हैव टू पे, अगर कुछ रिमेनिंग है तो यू हैव टू पे, दैट इज फॉर टैक्स पेबल. अगर हमने ज़्यादा TDS वगैरह पे कर हमारा डिडक्ट हो गया था या फिर एडवांस टैक्स हम ज़्यादा पे कर चुके थे तो हमारा टैक्स रिफंडेबल भी आ सकता है. सो इट कुड बी टैक्स पेबल ऑल्सो, इट कुड बी टैक्स रिफंडेबल ऑल्सो राइट. तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा, टैक्स पेबल, इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी के बाद अगर कोई हमारा TDS वगैरह भी गया उसका हम उसमें क्रेडिट लेंगे और बाद में हम देख बताएंगे कितना हमारा टैक्स पेबल है या टैक्स रिफंडेबल है एज द केस में भी. अब ये बात मैं आपसे क्यों, अच्छा एक और चीज़ पहले मैं उसको पूरा रीड कर लेता हूँ. कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस पूर्वी, तो इसका मतलब टोटल इनकम भी निकालनी है टैक्स पेबल भी निकालना है. कौन सी, एज पर डिफॉल्ट रिजीम या फिर ऑप्शनल रिजीम, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारा. फॉर दिस असेसमेंट ईयर इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, अब इसका मतलब क्या हुआ इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, तो अल्टीमेटली एग्जामिनर हमसे बोल रहा है कि आप अपना टैक्स पेबल तक अपना ऑप्शनल स्कीम से भी निकालिए, डिफॉल्ट स्कीम से भी निकालिए और जहाँ पर भी आपका मैक्सिमम बेनिफिट आ रहा है, यानी कि जहाँ पर हमारा कम से कम टैक्स बन रहा है, दैट वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर. इसका मतलब हमें दोनों रिजीम से निकालना पड़ेगा राइट. सो लास्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ टोटल इनकम निकालनी थी बट इस क्वेश्चन में हमें टैक्स पेबल तक भी निकालना होगा. अब एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, हमें डिविडेंड मिला है 10,524 का और ये ग्रॉस अमाउंट था. अब हम जानते हैं कि डिविडेंड के ऊपर जब हमें इस कंपनी से मिला है सो देर इज अ सेक्शन अंडर सेक्शन 194 ये कहता है कि आपका हम 10% TDS डिडक्ट कर लेते हैं डिविडेंड के ऊपर अगर अमाउंट 5,000 रुपीज से ऊपर का होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट वहां पर 5,000 रुपीज होती है.
तो देखिए यहाँ पर हमें 5,000 रुपीज से ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारा 10% का TDS भी डिडक्ट हुआ होगा अंडर दिस पर्टिकुलर, फॉर दिस पर्टिकुलर डिविडेंड। अगर सेक्शन आपको याद है तो 194 कोट कर दीजिए, अगर सेक्शन याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ लिख दीजिएगा TDS ऑन डिविडेंड, राइट। तो हमारा 10% का TDS गया होगा, कितना गया होगा इसका आप 10% बिकॉज दिस इज ग्रॉस अमाउंट, राइट। तो अगर ये ग्रॉस अमाउंट है तो इसका 10% निकाल सकते हैं, 1052, राइट। तो हमारा 1052 रुपीज का TDS गया होगा। अब हमें कब करना क्या है, जब हम अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे उसमें से माइनस कर दीजिएगा TDS, इसका 1052 का TDS भी हमारा गया होगा, करेक्ट। ओके, इनकम फ्रॉम यूटीआई से हमारी इनकम आई है, ये हमने हमारे PGBP के पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करा हुआ है, हमने ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको क्रेडिट करा हुआ है। तो दिस शुड बी आर IFRS इनकम, तो इसको हम IFRS में लिखकर चाहेंगे, और इसके बारे में भी सेम लिखा है ग्रॉस। क्या इसके ऊपर भी TDS डिडक्ट होता है? द आंसर इज येस। हमारे पास एक और सेक्शन होता है जब हमारे म्यूचुअल फंड या UTI के यूनिट्स के ऊपर हमें इनकम मिलती है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिविडेंड जब हमें मिलता है, तो इसका 194K में TDS डिडक्ट होता है। अगेन सेम बिल्कुल 194 जैसे ही होता है, 194K 10% रेट ऑफ TDS आता है, थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 की होती है। यहाँ पर भी हमें 5,000 रुपीज से ज्यादा अमाउंट मिला है, तो इसके ऊपर भी TDS डिडक्ट हुआ होगा, कितना 760, इसका 10% मैंने निकाल दिया, ठीक है। अगर ये नेट अमाउंट होता तो अकॉर्डिंगली आप अपनी वो मैथमेटिक्स कर लेते हैं यार, राइट। अगर ये नेट अमाउंट होता तो सबसे पहले तो ये 90% के बराबर होता, तो आप 100% के बराबर निकाल लेते, ग्रॉस अमाउंट पर ले आते, बट क्योंकि ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट है तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पर बच गई, हमें सेव कर लिया हमने थोड़ा टाइम, तो आप सीधा सीधा इस पर 10% आप निकाल दीजिएगा, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी के बाद टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है, इसीलिए आपको वो TDS वगैरह भी दिखाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी TDS क्या होगा, और पुराना वाला जो डिविडेंड था अभी जो हमने पढ़ा उसके ऊपर भी हमारा डिविडेंड के ऊपर TDS गया होगा। ओके, ऑनरोरियम रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर। ओके, तो इन्होंने कुछ आंसर शीट्स को भी इवेल्यूएट कराया, उनसे इनको ऑनरोरियम मिला है, कितना 15,800। सो दिस इज माई IFRS इनकम, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा और IFRS में लेकर जाइएगा, राइट। और लास्ट में लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट 85,600, तो ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करने में काम आएगा। क्या यहाँ पर ऐसे लिखा है हाउस प्रॉपर्टी इनकम या फिर ऐसे लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड? ये रेंट रिसीव्ड है, तो इसको आप GAV मानिएगा। अगर मान लेते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन है तो अकॉर्डिंगली GAV कंप्यूट करना पड़ेगा। अगर सिर्फ रेंट रिसीव्ड है तो इसी को मानेंगे कि यही GAV है, और एक म्यूनिसिपल टैक्सेस भी थे उसको माइनस करके बाद NAV निकलेगा 24A 30%, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया था। तो मुझे लगता है ये तो आप आराम से कर लेंगे, आपका रिवाइज भी हो रहा है वो चीज़ें। अदर इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेते हैं। अलाउेबल रेट फॉर डेप्रिसिएशन मोटर कार इज 15%। इनफैक्ट अगर ये मुझे बताते भी नहीं ना मोटर कार के ऊपर रेट 15% है, तो वी शुड नो कि प्लांट मशीनरी पर जनरल रेट जो होता है दैट इज 15%। तो अच्छी बात इन्होंने बता दी है, तो हम इसके ऊपर 15% का भी डेप्रिसिएशन लेंगे। अच्छा, अब एक पॉइंट है, इन लोगों ने शायद अभी ये नहीं बताया, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है तो यहाँ तक इसमें ये नहीं बताया इसमें कि ये हमने कार कब परचेज की, राइट। तो बिकॉज अगर कार कब पुट टू यूज़ की, इनफैक्ट बिकॉज अगर वो 180 डेज से कम पुट टू यूज़ थी, सेम ईयर में एक्वायर की गई, तो उसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन आएगा, अदरवाइज फुल आएगा। तो यहाँ पर हम फिर अपनी अजम्पशन लिख देंगे, तो हाफ नहीं निकालेंगे, जनरली अजम्पशन लीजिएगा कि ये 180 डेज से ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम इसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, राइट। बिकॉज ऐसा यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पर एक छोटी सी अजम्पशन जरूर दे दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है कि वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500। इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, देखिए जब हम लोगों को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर बिजनेस ऑफ प्रोफेशन अगर हमें किसी भी तरह के गिफ्ट्स परक्यूजेट्स या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 28 मतलब चार्जिंग सेक्शन ऑफ PGBP। इसका मतलब ये भी PGBP की इनकम होती है। तो अब 10,500 इन लोगों ने कहीं पर यहाँ पर PNL अकाउंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको पहले से कंसिडर नहीं किया गया था, इसका मतलब हम इसको बोलेंगे कि इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि दिस इज अगेन शुड बी एडेड इन आर PGBP, करेक्ट। थर्ड पॉइंट, इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट्स रिप्रेजेंट अमाउंट पेड टू टू आर्टिकल असिस्टेंट फॉर पासिंग सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यहाँ पर हमने उनको इंसेंटिव क्यों दिया था, बिकॉज एज अ मोटिवेशन उन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सी इंटरमीडिएट क्लियर किया था, तो दैट इज द रीजन हमने उनको एक इंसेंटिव दिया था। इट इज़ अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो इस इंफॉर्मेशन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा,
सो इट इज अलाउड. अब हम अपने स्टाफ मेंबर्स को हम उनको बोनस इंसेंटिव्स वगैरह दे सकते हैं, दैट इज एन अलाउेबल एक्सपेंस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे. फोर्थ पॉइंट कहते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड्स 2,000 rupees. तो हमारा था ना कुछ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 4,000 था, तो इसमें 2,000 rupees का भी मेंटेनेंस है फॉर द पीरियड 1/10/23 टू 39/20/24. अब ध्यान से समझिएगा इसको, 2,000 rupees का हमने जो खर्चा किया है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 October 2023 से लेकर, ये खर्चा रिलेट करता है 30 September 2024 तक. एग्री हैं? यानी कि पूरा एक साल का खर्चा है, बट एक्चुअली जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो बीच में कहीं पर ख़त्म हो रहा है. और अगर हम देखते हैं कि 1 April 2024 से लेकर 39/20/24 यानी कि 6 months हमारे नेक्स्ट पीरियड में जा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए, एक तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है इसमें कुछ अमाउंट. ठीक है, 2000 पूरे साल का है, तो हमने देखा कि इसमें से 6 महीने तो हमारे ईयर से रिलेटेड थे, 6 महीने नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसमें से मैं कह सकता हूँ कि 1000 तो इस साल का खर्चा है, बट 1000 हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है. अब प्लीज़ मुझे बताइए, क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस अलाउड हो सकते हैं? द आंसर इज, देखिए हमारे पास सेक्शन 145 होता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग का. अगर आपको सेक्शन का नंबर भी नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये प्रोविजन पता होना चाहिए. हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग ये कहते हैं कि असेसी, हम आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं या इनकम है उसको हम ड्यू बेसिस पे भी ले सकते हैं, मतलब अक्रूअल बेसिस, या हम उसको मर्केंटाइल बेसिस के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप कैश बेसिस के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना भी हमारा एक्सपेंसेस हैं या इनकम है, हम अपनी अकाउंटिंग, एक्चुअली टैक्स में हमें अकाउंटिंग नहीं करनी है, अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर है जब हम अपनी कंप्यूटेशन किस अकॉर्डिंग हम लोगों को करनी चाहिए. करेक्ट, तो हमें कंप्यूटेशन कैसे करनी चाहिए, अक्रूअल बेसिस के बेसिस पर या फिर कैश बेसिस पर. अक्रूअल बेसिस को हमें पता है, हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ड्यू बेसिस भी जानते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम भी जानते हैं, तो वहाँ पर हमारा सेक्शन 145 उसका आंसर देता है. वो कहता है कि दोनों ही ठीक है, बट एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द एसएससी, एसएससी जैसा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं हमें उसे वैसे ही करना चाहिए. और जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा ये अज्यूम करते हैं दैट एसएससी इज मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स ऑन अक्रूअल बेसिस. वो मर्केंटाइल बेसिस पर, अक्रूअल मर्केंटाइल ड्यू बेसिस एक ही बात है, तो हमेशा ये अज्यूम करते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा ये अज्यूम करते हैं वो अक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करता होगा. तो इनकेस अगर वो अक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करता है तो इसका मतलब सारे एक्सपेंसेस भी हम ड्यू बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, और ये प्रीपेड वाला फिर हम इस साल अलाउड नहीं करेंगे बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर को रिलेट करता है. बट आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर मैंने आपको रिमाइंड भी कराया था, वहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ था दैट एसएससी इज मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस. तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में, क्योंकि असेसी कैश बेसिस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस हम कैश बेसिस पर ले सकते हैं. तो अगर ये 2,000 rupees का एक्सपेंसेस था, इवन अगर ये प्रीपेड था, देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इन दिस केस. व्हाई? बिकॉज द असेसी इज मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस. करेक्ट, तो इस से भी हमें कुछ लेना देना, मतलब कंप्यूटेशन में नहीं दिखाएंगे, बट हाँ नोट जरूर देखें. देखिए अगर एग्जामिनर ने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है और आपको पता है कि उस इन्फॉर्मेशन को हमें इग्नोर करना है, ठीक है, आपको पता है अच्छे से कि उस इन्फॉर्मेशन को हमें अपने कंप्यूटेशन में कोई सब्ट्रैक्ट या ऐड उसको नहीं करना है, तो एटलीस्ट उसको आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि आपने इसको अपनी कंप्यूटेशन में क्यों नहीं लिया, आप उसके दिए हुए इन्फॉर्मेशन को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आपको बताना होगा. ज़्यादा बड़ा नोट नहीं देंगे, मैक्सिमम एक लाइन में आप उसको समझा देंगे. राइट, मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा. फिफ्थ पॉइंट, सैलरी इंक्लूड्स 30,000 टू अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट. हमने कैश में सैलरी पे कर दी है, कितनी? 30,000 rupees. हमें पता है वी हैव अ प्रोविजन इन इनकम टैक्स एक्ट कि हम 10,000 से ज़्यादा कैश में एक दिन में नहीं पे कर सकते, तो यहाँ पर हमने 30,000 rupees पे कर दिए हैं, तो दिस इज डिसअलाउड. अगर आपको सेक्शन का नंबर याद रहे तो कोट कर दीजिएगा, नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेक्शन का नंबर है 48(3). राइट, कैश पेमेंट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर ये सेक्शन नंबर याद रखें तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं भी होता इट्स ओके, प्रोविजन आपको सही से लगाना होगा. ओके, सिक्स पॉइंट, इट सेज द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड. हमने देखा ना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी डेबिटेड थे, जनरली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं. कुछ कह रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फॉरेन टूर ऑफ 32,000 rupees विच वॉज विद इन द RBI नॉर्म. ओके, तो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करे हैं इनकर्ड ऑन फॉरेन टूर. अच्छा, मुझे बताइए कि ये पर्सनल टूर है या फिर ऐसा मेंशन नहीं है, ऐसा मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये प्रोफेशनल टूर ही है. ठीक है, इन्होंने प्रोफेशनल टूर किया, प्रोफेशनल ट्रैवल करा है,
तो दैट इज एन एक्सपेंस विच इज अलाउड. तो ये अलाउेबल एक्सपेंस है, इसका भी हमें कुछ नहीं करना. अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है विच वॉज विद इन आरबीआई नॉर्म्स. आरबीआई नॉर्म्स कुछ भी कहते रहे, हमें इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है. सो अगर ये ऐसा भी बोलते ना विच इज नॉट विद इन आरबीआई नॉर्म्स, तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता कि शायद इसको डिसअलाउ करना है. नहीं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा. तो अगर आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इट विल हार्डली मैटर. हम लोग 32,000 रुपीज अलाउ कर देंगे, करेक्ट. तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होगा क्योंकि वो ऑलरेडी डेबिटेड है. बस यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, इट इज अज्यूम दैट इट इज फॉर प्रोफेशनल पर्पस, प्रोफेशनल नेचर का है. सेवन पॉइंट कहता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन. अब यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बातें होने लगी हैं, हमें पता चल रहा है 80D की बातें हो रही हैं. अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दोनों तरीके से कैलकुलेट करना है, तो जब हम अपनी ऑप्शनल स्कीम फॉलो करेंगे तो 80D की भी डिडक्शन देंगे. डिफॉल्ट स्कीम में आपको पता है 80D मिलता नहीं है. तो डिपेंडेंट ब्रदर के लिए खर्चा किया. अब देखिए, डिपेंडेंट ब्रदर क्या 80D में आता है? द आंसर इज नो. 80D में कौन कौन लोग आते हैं? एक कैटेगरी तो होती है सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, राइट. सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन वो लोग कवर्ड है. 25,000 रुपीज अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपीज हो जाती है वो लिमिट. दूसरा होता है पेरेंट्स, राइट. वहां पर पेरेंट्स कवर्ड. बट यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वहाँ पर ब्रदर कवर्ड नहीं है. तो अगर डिपेंडेंट ब्रदर भी है तो इनके लिए 80D नहीं मिलेगा. तो 80D आप डिपेंडेंट ब्रदर के लिए नहीं देंगे. एंड मेजर सन डिपेंडेंट है, ठीक है. मेजर है, डिपेंडेंट है ना, तो चलेगा. 80D में आता है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन आते हैं वो चल जाएगा. तो 5,000 डिपेंडेंट ब्रदर के लिए था, वो नहीं आएगा. 10,000 डिपेंडेंट सन के लिए था, वो आ जाएगा. ओ बट एक बात लिखी है यहाँ पर, दैट दिस इज पेड इन कैश. तो हमें पता है कि 80D की डिडक्शन नहीं मिलती अगर आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे कर दिया. तो दैट इज नॉट अलाउड. तो 80D यहाँ पर मिल नहीं पाएगा. डिपेंडेंट सन के लिए मिल जाता अगर वो अदर देन कैश पे होता, राइट. सिर्फ कैश में 5,000 रुपीज तक की लिमिट होती है जो हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, उसके लिए कैश अलाउड है, अदरवाइज कैश अलाउड नहीं है. तो यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिल पाएगी 80D के. शी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. NSC के लिए डिडक्शन मिल जाती है. डिफॉल्ट रिजीम में नहीं मिलेगा 80C, बट ऑप्शन स्कीम में मिल जाएगा. 10,000 रुपीज चलेगा. 1,50,000 तक की लिमिट होती है, 10,000 चलेगा. शी हैज पेड 70,000 टुवर्ड्स एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 23-24. तो इन्होंने एडवांस टैक्स दिया, ये कहाँ पर काम आएगा? टैक्स पेबल निकालते समय. जब आप टैक्स लाइबिलिटी निकाल देंगे माइनस उसमें से कुछ TDS भी जा रहा था और फिर एडवांस टैक्स का भी हम क्रेडिट ले लेंगे, तो बाकी का जितना अमाउंट बचेगा दैट वुड बी द टैक्स पेबल या रिफंडेबल एज द केस में भी, करेक्ट. ओके, अब हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं. अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको शुरू करें. तो एक काम करते हैं, पहले डिफॉल्ट रिजीम से अकॉर्डिंग पूरा हम इनकम निकाल देंगे, टैक्स निकाल देंगे, और फिर जब हम अपनी ऑप्शनल स्कीम शुरू करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हम अपने डिफॉल्ट रिजीम से ही उठा सकते हैं. इनफैक्ट ग्रॉस टोटल इनकम भी पूरी पिक कर लीजिएगा, और कहीं पर भी चेंजेस हैं तो वहां पर आपको चेंजेस करने के बाद अपनी ऑप्शनल स्कीम के अकॉर्डिंग अपनी टोटल इनकम निकालनी होगी. और फिर ऑप्शनल स्कीम में हमारा जो 80C 80D वगैरह, 80D तो शायद मिल नहीं रहा वहां पर क्योंकि कैश में पे करा है. 80C होगा या फिर लास्ट वाला क्या था, 80C ही है बस. 80D तो नहीं मिल पाएगा, ये तो एडवांस टैक्स था. 80C है बस. तो 80C की डिडक्शन वहां पर दे दीजिएगा. चलिए फिर इसको शुरू करें, ठीक है. तो आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं वीडियो को और आप लोग इसको करके देखें, फिर मेरे आंसर से इसको चेक क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है.
आई बिलीव आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। सो सबसे पहले हम लोगों ने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इनकी इनकम निकाली। सो हाउस प्रॉपर्टी इनकम को हमने यहाँ पर ही कैलकुलेट कर दिया। जीएवी हमें पता था, रेंट रिसीव्ड, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 3000 के हुए हैं, 30% ऑफ एनएवी की रिडक्शन मिलेगी, कोई इंटरेस्ट तो था नहीं, तो 57,820 हमारा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाती है। पीजीबीपी के लिए हम अलग से वर्किंग नोट बना लेंगे, राइट। और आईएफओएस की इनकम ज़्यादा नहीं थी तो हमने यहाँ पर ही लिख ली। इनफैक्ट इस तरीके से हमें करना चाहिए। देखिए, हम सारी चीज़, जैसे पीजीबीपी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वो ज़्यादा चीज़ें हमें लिखनी होती हैं, तो आप अपना मेन आंसर इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए एग्जामिनर को कि वो आपको फर्स्ट पेज देखते ही उसको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मुझे आपकी कॉपी चेक करनी होगी तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि आपकी टोटल इनकम, जो मेरे पास आंसर शीट होगी, जो इंस्टीट्यूट ने मुझे सजेस्टेड आंसर दिए होंगे, वहाँ से जो उनका टोटल इनकम आ रही है और मेरी टोटल इनकम आ रही है, क्या स्टूडेंट की टोटल इनकम आ रही है, क्या वो सही है नहीं है। तो अगर यहाँ पर ही मान लेते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ पर स्टूडेंट ने सही से किया हुआ है, तो फिर मैं तो इसमें थोड़ा सा लीनियंट हो जाऊँगा। मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं यहाँ पर थोड़ा लीनियंट हो जाऊँगा, मुझे लगेगा कि स्टूडेंट ने सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ठीक निकाली हुई होंगी। देखिए, जब फाइनल आंसर ही मैच हो जाता है तो फिर तो सीधा पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने ठीक किया होगा। फिर तो एक फॉर्मेलिटी रह जाती है देखने की, फिर हम सिर्फ एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो इसीलिए करना क्या चाहिए हमें, अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर ही अपना पूरा पीजीबीपी सॉल्व कर लेता और पीजीबीपी को अच्छा खासा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा, आधा पेज से ज़्यादा हमारा पीजीबीपी में ले लिया, तो अगर आप सारी चीज़ें अगर अपने फर्स्ट उस पर ही सॉल्व कर देंगे तो थोड़ा सा वो अजीब लगता है, राइट। तो अपनी प्रेजेंटेशन ऐसी रखिए कि आप अगर देखिए किसी भी पर्टिकुलर हेड में अगर 2-3 लाइनें लिखनी हुई हैं होती हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। बट अगर काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी होती हैं तो अच्छा होता है कि आप उसको वर्किंग नोट ही बना लें। जनरली पीजीबीपी का आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी भी कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपको एक आइडिया भी हो गया होगा हमें किस चीज़ का वर्किंग नोट बनाना चाहिए, राइट। पीजीबीपी का जनरली वर्किंग नोट बना लेना चाहिए टोटल इनकम के क्वेश्चन में। आईएफओएस में ज़्यादा नहीं था, 3-4 चीज़ें थी, तो हमने यहाँ पर ही लिख लिया। ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 10,11,944 आ गई। 80C की रिडक्शन मिलनी थी, डिफॉल्ट रिजीम में मिलेगी नहीं, सिर्फ हमारी ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मिल जाएगी, तो यहाँ पर तो नॉट अलाउड कर दिया। टोटल इनकम लिखा, उसको राउंड ऑफ भी कर दिया। अगर आप राउंड ऑफ का सेक्शन लिखना चाहें लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे, अंडर सेक्शन 288A ज़रूरत नहीं है वैसे। फिर यहाँ पर हमने अपनी टैक्स लाइबिलिटी निकाली, इट वॉज 64,263, मेरे पास थोड़ा सा जगह कम रह गई थी बट फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। तो TDS हमारा गया है सेक्शन 194 में 10%, 194K में ग्रॉस अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। अगर नेट अमाउंट दिया होता तो आप डिवाइडेड बाई 90% करके फिर आप 10% करते, पहले ग्रॉस निकालते फिर आप 10% करेंगे। एडवांस टैक्स हमारा गया हुआ था, तो यहाँ पर हमारा टैक्स रिफंडेबल आ गया 9549 का, करेक्ट, जिसको हमने राउंड ऑफ करके भी, मेरे पास स्पेस नहीं दिया तो मैंने इसी यहाँ पर ही लिख लिया, और 9550, करेक्ट, आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर हमारा टैक्स रिफंडेबल आ रहा है। अब हमने ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अब दोबारा से सारी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। आपने देखा कि GTI में आपका हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, PGBP आ रहा है और IFOS आ रहा है, और कहीं पर भी ऐसी कोई बातें नहीं थी जहाँ पर हमारी डिफॉल्ट रिजीम और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में कहीं पर चेंजेस हों। देखिए, कोई जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था साइंटिफिक रिसर्च, आउटसाइड रिसर्च थी, वहाँ पर चेंजेस थे, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई ऐसा चेंज नहीं था। कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑप्शनल स्कीम में मिलती हैं बट वहाँ पर नहीं मिलती हैं, तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं थे। तो हम लोगों ने डायरेक्टली उसकी ग्रॉस टोटल इनकम ही हम वहाँ से पिक कर ली जितनी आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि देर इज़ नो डिफरेंस इन दिस केस डिफॉल्ट और ऑप्शनल रिजीम में, तो हमने वहाँ से ही ग्रॉस टोटल इनकम पिक कर ली है। डिडक्शन चैप्टर 6A में सिर्फ 80C की मिलेगी, 80D की इसलिए नहीं मिलेगी, कैश पेमेंट किया हुआ था डिपेंडेंट सन के लिए, तो 80C की डिडक्शन मिलेगी। टोटल इनकम दिस राउंड ऑफ करके इतना आ गया, इसके ऊपर हमने टैक्स निकाला। इसमें कोई भी हमारी स्पेशल इनकम नहीं थी, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं था, कोई 111 नहीं था, कोई कैजुअल इनकम नहीं थी, तो सब पूरी की पूरी हमारी इनकम के ऊपर स्लैब रेट्स लग जाएंगे, और क्योंकि SSC सीनियर सिटीजन नहीं है तो नॉर्मल स्लैब रेट 2.5 लाख वाले लगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकाला, सेस निकाला, टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब इसमें भी हमारा TDS या एडवांस टैक्स जो भी गया है उसका माइनस करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर हमारा जो टैक्स पेबल आ रहा है वो 45,793 आ रहा है। तो हमारी ऑप्शनल स्कीम में हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, बल्कि हमारा जो हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम थी वहाँ पर हमें रिफंड मिल रहा है, तो दैट रिफंड वो ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिशियल था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इट इज़ एडवाइजेबल कि ऑप्ट फॉर ऑप्शनल फॉर डिफॉल्ट रिजीम बिकॉज वहाँ पर हमारा रिफंडेबल आ रहा है, करेक्ट।
अब यहां पर हमने वर्किंग नोट पर पीजीवी पे दिखा दिया, यहां पर क्वेश्चन खत्म हो सकता था बट एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसको हमने इग्नोर करा था। क्यों? क्योंकि उसको हमें अपनी कंप्यूटेशन में लेना नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट भी लिखा था, ज्यादा नहीं लिखा, एक एक दो दो लाइन में मैंने ये सारे नोट्स खत्म करे बिकॉज इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में लिखने का। तो बिल्कुल प्लेन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग लिखेंगे। तो जैसे वहां पर एक नोट दिया हुआ था कि हमने आर्टिकल असिस्टेंस को इंसेंटिव्स दिया, तो उसका कुछ करना नहीं था, ऑलरेडी डेबिटेड था, उसका कुछ करना नहीं था, तो इसलिए हमने वहां पर बता दिया कि हमने उसको इग्नोर क्यों किया कंप्यूटेशन में, बिकॉज इट इज अलाउड, तो वो अलाउड था तो हमें कुछ नहीं करना। बाकी आप प्लीज कोई स्टोरी वगैरह मत बनाइए इस पर, मैक्सिमम एक या दो लाइन में अपने नोट्स खत्म करने की कोशिश कीजिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में नोट था बट हमने उसको भी कंसिडर नहीं किया, क्यों? बिकॉज एसएससी कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था और वो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी अलाउड हो जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में नोट था, हमें उसको कंसिडर नहीं करना था बिकॉज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम रिज्यूम कर रहे हैं कि वो आपके प्रोफेशनल बिजनेस पर्पस के लिए थे। मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में था, हमने ATD नहीं दिया, तो बताइए ATD क्यों नहीं दिया? देखिए ब्रदर के लिए तो ATD अलाउड नहीं होता, चिल्ड्रन के लिए हो जाता है अगर वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट चिल्ड्रन था, ठीक है मेजर सन था बट डिपेंडेंट था ना, डिपेंडेंट लिखा था तो अलाउड है। बट प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पर कैश में पेमेंट हो गई है, तो अगर कैश में पेमेंट हो गई है तो भी अलाउड नहीं होगा, करेक्ट। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। तो आज अभी हम दो क्वेश्चन ही रखते हैं, मैं और कुछ वीडियोज आपके लिए पोस्ट करूंगा जहां पर हम टोटल इनकम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप कुछ मुझसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व वगैरह कराना चाहते हैं या फिर इसी के आगे सॉल्व कराना चाहते हैं तो प्लीज जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।